जो पूरी नहीं होती <laughs> यही बात कर रहे अभी हम नींद पूरी नहीं हो रही है यार नींद पूरी नहीं होती ख्वाब कैसे पूरे ऐ, क्या हाईलाइट होनी चाहिए <laughs> लेकिन क्या एक लाइन थी उसकी डिवाइन <laughs> की सपने होते सच तब मजा आता सोने में है, है। <laughs> तो हम सोएंगे जब सपने सच क्यों नहीं पूरी होती नींद यार ही ऐसा है है है। 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 मैंने जॉब शुरू कर दी है फिर नूडल वूडल की दो ब्रांचेस खोल दी है फिर अपना मर्ज चल रही है बस इसी में हूँ कहीं ना कहीं तो जॉब किस लिए यार मैं डिग्री कर रही थी तो उसमें इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट थी तो मैं गई

हम ओपन करेंगे तो हाँ। हाँ। उस टाइम पे मैंने कहा हेक्टिक तो होगा लेकिन अब अपॉर्चुनिटी आई है और एक्सपीरियंस भी मिलेगा यही थी, थी तुम्हारी जो तुमने स्टोरी पे की थी हाँ। वो बात बताओ जो तुम्हारी थी कि मैं इसलिए कर रही हूँ अपनी नींद को कुर्बान भी इसलिए कर रही हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए जा एक्सपीरियंस मैं सोची हूँ hmm. तो मुझे था कि एक्सपीरियंस hmm. उस से मिल <laughs> यार यही चीज है हर जगह हाथ मार के क्योंकि एट दिस एज आई फील लाइक हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ क्या करना है करना क्या है एक्चुअल में तो सब ट्राई कर जाए और आई फील लाइक अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं एक चीज करो मतलब बी डोंट बी मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स एक चीज पे फोकस करके बी लाइक फ्लरिश इन दैट लेकिन right. यार वो एक होता है आपके अंदर एनर्जी भी होती है इस टाइम पे आप कर सकते स्ट। हो स्टेमिना तो नहीं है खैर लेकिन <laughs> <laughs> एक होता है ना कि दिमाग में आपका चल रहा होता है कौन से नहीं कुछ नया कुछ नया कुछ नया कुछ नया वो चीज़ उसको लेके मैंने कहा एक तो मनोटनी ब्रेक करनी होती है मुझे ज़िंदगी में कहीं पे भी ना मेरी जिंदगी हूँ बोरिंग होगी फ्लैट लाइन होगी और मुझे होगा नहीं अब कुछ करना है अच्छा अब मैं बोर हो गई हूँ फिर मैं नई चीज़ शुरू करूंगी और पुरानी वाली जो होगी उसका सारा हेक्टिक चीज़ मैं किसी और के ऊपर थोप दूँगी कि भाई तुम संभालोगे अब मेरा काम हो गया क्योंकि क्योंकि क्यों 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 मुझे कुछ एक्साइटिंग करना हाँ। <laughs> तो, तो, वो तो जो तुम <laughs> तुम संभालो मैं बाकी थोड़ा exciting करके आती वापस <laughs> तो अभी जैसे नूडल वूडल भी है काफी हद तक ऑटोमेट हो गया है हम लोग ने रख मेरा भाई होता है हाँ। जो बहुत मदद कर देता है <laughs> अलग से बहुत मदद कर देता है तो काफी ऑटोमेट काफी ऑटोमेट कर दी हमने वो चीज़ तो इवेंचुअली वो अब एक फ्री फ्लो चल रहा है उसका बट डी की ब्रांच नहीं है तो उधर अपना होना जरूरी, जरूरी है थोड़ा है। क्योंकि नए स्टाफ को भी ट्रेन करना है अब हाँ। ये रेस्टोरेंट एक बहुत अलग चीज है कार्ट से कार्ट में तो होते वो तो होता है है एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस अलग से हाँ। पूछना है मुझे वो कार्ट वाला जो एक्सपीरियंस ना ना भाई हम तो इतने नूबड़े थे तो शुरू कैसे किया था मतलब मैंने पहले भी पूछा है मुझे याद पड़ता है मैं भूल गई ये हर बार पूछती है मुझसे क्योंकि मुझे बहुत एक्साइट करता है ये मेरे दिमाग में आइडिया था कि यार आइडिया मुझे नहीं करना था खुद से बट ये था यार पाकिस्तान में क्वेश्चन होगा तुम्हारे दिमाग में कि ये पाकिस्तान में मैगी क्यों नहीं बिकता वही एग्जैक्टली exactly. मैं इंडिया में मैंने इतना देखा हर कहीं स्टॉल लगाए अंकल लगा के बैठे पहाड़ियों पे मिल रहा है उनकी yes. हर जगह मिल रहा है हमारे कराची में कहीं, कहीं नहीं भी नहीं था सिर्फ घर पे मिलेगा रामिन जैसी चीज नूडल्स तो चलो नूडल्स जैसे ना चाउमिन चाउमिन वगैरह तो हर जगह अवेलेबल होता वो टेस्ट हर जगह अवेलेबल था बट जो रामिन वाली फील थी ना वो तुम लाई हो तो वो आइडिया कैसा है ऐसे ही आया ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में मैं ना सोते हुए वो इंडियन स्ट्रीट फूड वीडियोस देख रही होती थी दी दीदी यार ये मैगी इंडिया में इतना बिकता है पाकिस्तान में है होगी और जाहिर सी बात है सब मैगी खाते, सब है, खाते बच्चे हैं बच्चे से लेकर बुढ़्ढों तक मैगी हा, खाते हैं exactly. तो मैंने कहा ये अफोर्डेबल चीज़ भी है कोई भी आए बैठे खाए चला जाए फिर मैंने कहा रामेन भी अभी थोड़ा बूम पे चल रहा है जो कोरियन रामेन है सामयांग वाले मैंने कहा ये भी हम ऐड कर सकते हैं तो ऐसी ही आइडिया आया मेरा बिजनेस पार्टनर है अहमद उसके साथ मैं डिस्कस करी थी कि यार ये स्ट्रीट फूड में नूडल्स क्यों नहीं होते मतलब वो वाले मैगी क्यों नहीं होता तो कहते हाँ कोई बात नहीं हम खोल लेते हैं तो मैंने कहा पक्का अच्छा कितने पैसे मैंने बताया उसने कहा चलो साथ इन्वेस्ट करते हैं फिर हमने एक और बत, अपने दोस्त को पकड़ा पकड़ाने कहा वो यूएस में होता है अच्छा। हमने कहा देखो तुम साइलेंट पार्टनर हो बस पैसे दो बस पैसे बस पैसे तक की बात है हमारी तुम्हें कोई काम नहीं करना बस पैसे दो हमें क्योंकि उस वक्त चाहिए थी एक मेजर इन्वेस्टमेंट चाहिए थी हम तीसरे दिन गए इस आइडिया को डिस्कस करके कार्ड बनवाने अरे वाह वर्कशॉप गए कार्ड का डिजाइन पूरा बनवाया आइडियाज दिए मैंने के, और मुझे पता था मुझे कैसी बनानी है ऑन वांटेड लाइक ऑन दिन ऑन लाइट होगी ये सब चीजें मुझे पता थी कि जाहिर सी बात है हम बैठे वर्कशॉप वर्कशॉप कहते हैं उसको नहीं जहाँ पे काम होता है वर्क स्पेस वर्क वर्कशॉप ही होती है ना ठीक <laughs> है ब्रेन फॉल्ट हुआ मेरे दिमाग में बट हम बैठे उस बंदे आ. के साथ उसने हमें थोड़ी डिटेल्स बताएंगे hmm. यहाँ पे स्टोव जाएगा यहाँ पे आपका पानी आएगा यहाँ पे आपकी स्टोरेज आएगी क्योंकि आप बहुत छोटी सी जगह में काम कर रहे होते, hmm. होते हो तो वी वांटेड कि हम एफिशिएंटली सारा जगह यूज कर लें खैर वो सब हुआ उसके बाद नाम नाम क्या रखें अब मैं और अहमद थे ये मुझे घर छोड़ रहा था हम सारा ये डिस्कस करके निकले हम एक सिग्नल पे खड़े हुए वेट करें वे नाम सोच रहे नूडल वूडल रख लें मगर रख लेते हैं चलो ठीक है अच्छा नूडल अरे यार नाइस <laughs> तो बहुत हम लोग ने ना मतलब ना दिमाग को ही लगाया है जो पहला आइडिया आ रहा था बस करते करते हैं, करते हैं इतनी वो जो जज्बा था ना कि बस करना है भाड़ में जाए सारी सारी चीजें भाड़ में जाए बस कर लेते हैं hmm. एक महीने बाद कार्ट आई है और जिस दिन कार्ट आई है हमने खोल दिया आई यू सी विदाउट एनी वेटर्स वी जस्ट हैड वन शेफ खोल दिया स्टार्ट कर दिया।, <laughs> Start कर दिया। कौन था? मैं <laughs> मेरा भाई अहमद <laughs> nice, <laughs> nice. तो हम लोग को जेनवन आइडिया नहीं था कि कितना रश होगा क्योंकि मैंने हाइप तो क्रिएट कर hmm. दी थी hmm. लेकिन मुझे नहीं पता था यार लोग एक्चुअली आएंगे खाएंगे हमने लोगों को दो दो घंटे वेट कराया वो लोग दो दो घंटे वेट करे हैं उन्होंने yeah? क्योंकि नहीं हम ट्रेंड ही नहीं थे कुछ नहीं किया था शेफ के साथ ट्राई किया था हाँ, ये लेकिन मैनेजमेंट की वजह हाँ, से अब ना हमारे पास पीओएस सिस्टम भी नहीं होता इफ यू नो पीओएस सिस्टम इज जो रिसीट आपको मिलती है हाँ, एक किचन स्लिप होती है एक कस्टमर स्लिप होती है ओके। तो उससे क्या होता है ऑर्डर्स मैच मैच, है। मैच कर जाते हैं आपको पता होता है ये किसका ऑर्डर हाँ, मैं एक रजिस्टर में लिख रही थी तो रजिस्टर में क्या हो रहा था कि मैं किसी का ऑर्डर किसी और गाड़ी में भेज रही थी किसी का ऑर्डर किसी और के हाथ में दे रही थी और फिर आए रिव्यूज़ टू स्टार थ्री oh स्टार टू स्टार थ्री स्टार मैंने कहा यार ये तो अपन की गलती है अच्छा टेस्ट पर इतने नहीं आ रहे थे जितने आ रहे थे कि वी डेंट वॉट आर ऑर्डर राइट हाँ। right, या वी वेटेड टू आवर्स फॉर इट अब जाहिर सी बात है हमें नहीं समझ आ रहा था हम कैसे करें एक बंदे का ऑर्डर बना हुआ रखा हुआ है लेकिन जो जैसे फॉर एग्जांपल कोरियन फ्राइड चिकन वाले अब ये, मुझे. <laughs> ये ना एक ऑर्डर लगा हुआ इसका, इसका है हाँ. मैंने क्या किया वही के नए वाला oh, ये होता था <laughs> तो तकरीब और साइट पे ना अजलान भाई अजान शाह की कार्ट थी का, क्या नाम था तो उसका मैं नाम भूल अजान भाई बटर्स बर्गर थे तो ना उधर साइड पे अजान भाई मुझे मिला उन्होंने कहा क्या चल रहा है तुम लोग के पास पीओएस सिस्टम नहीं है कुछ भी नहीं है तो उन्होंने क्या हमारी बहुत मदद की उस सिचुएशन में ही गेव मी अलॉट ऑफ एडवाइसिस फिर एक हफ्ते में हमने पी सिस्टम खरीदा वेटर्स सामने छोटू चाय वाला था तो वो भी दोस्त का एक तो मैंने कहा अच्छा। भाई वेटर्स करा दो प्लीज़ फिर वेटर्स आए उनको अब जाहिर सी बात वेटर्स हमसे बड़े हाँ। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा हम हैंडल कैसे करें उस चीज को कैसे? समझ नहीं <laughs> आ रहा पुला ना बिल्कुल हाँ। ये क्या सिचुएशन हाँ। हो रही है राइट खैर बड़ी मुश्किलात के साथ कार्ड हाँ। चली आ, फिर मसला आया केएमसी का ओके वो आते हैं बोलते हैं कार्ड हटाएं अलाउड ही नहीं है इधर आपने रखी कैसी है खैर टू बी ऑनेस्ट हमें खिलाना पड़ता है पेट भरने पड़ते हैं सॉरी <laughs> <यार. laughs> <laughs> काम हल करवा देते मतलब हमारा <laughs> क्या सोर्सेज अपन की भी है अच्छा, चल भी रहा है इधर लेकिन सीन ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हटाए ना और किसी भी हाल में ना रिश्वत ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं हमने कहा ले लो भाई बिकॉज सिंपली आप अगर एक रोड पे बिजनेस चला रहे हो यू इवेंचुअली हैव टू यू हैव टू डू दैट बिकॉज़ हम पुलिस को भी खिला सही बात है और यार नहीं पता कार्ड देना चाहिए <laughs> <laughs> लोग मुझे बैश करेंगे ये है प्रॉब्लम यू आर द प्रॉब्लम आप ही उनको खिला रही हैं अगर आप नहीं खिलाएंगे तो लेकिन फिर हमारा बिजनेस कैसे चलेगा द पॉइंट सही this. बात है वो और उनकी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स पे वो पूरा हो कर भी तो तो नहीं सकते The ना बोलेंगे हटाओ हमने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं अब आप चाह रहे हैं हम इसको उठाएं अब कहीं और तो अब जाए जाएंगे वहां से तो देनी पड़ेगी और ये भी पॉइंट है रिश्वत देखिए गायब हो जाते हैं ना हमारे लिए भी आसानी अपने ये तो है ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है की एट सम पॉइंट वो आते भी इसीलिए ही हैं हाँ वो क्यों आएंगे? वो कोई अपनी जॉब करने चलो ठीक है जॉब तो चल रही है साथ साथ बट वो देखेंगे नया नया शुरू हुआ है चलो आओ खैर लेकिन ये चीज़ें ना बहुत अपसेट करती हैं एज अ बिजनेस ओनर क्योंकि यार इट डज़ नॉट मेक सेंस कि हमारे मुल्क में हम खुद ही नहीं कमा सकते एक अगर कोई कमाना चाह रहे निकला है भाई के करते हैं कुछ अ, मतलब सिंपली आगे बोलते हैं हटें Hmm. या तो आप प्रॉपर लॉस तो के 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 लीगली कर लें हर जगह लीगली हो रहा होता है यहाँ पे आपके आप लिए इलीगली आसान है अगर आप पैसे खिला दो आपके लिए आसान है लीगली उतना ही मुश्किल है आपको परमिट्स नहीं मिलते आपको लाइसेंसिंग नहीं मिलती पागल हो जाओगे खपने लगोगे तो फिर हमने डिसीजन लिया कि यार ये कार्ट अब मूव करते हैं हम डीएचए क्योंकि वहाँ पे पहले, में लग सकता पहले बहाद्राबाद में थी बहाद्राबाद में थे हम लोग पहले अब जब ये डिसीजन और लेना पड़ा हम लोग को बिकॉज इवेंचुअली जगह ही हम लोग ने बहुत जगह शिफ्ट की हम लोग बच्चा पार्टी के आगे खड़े हुए हम लोग क्लाउड ना, नान के पास खड़े हुए और फिर ये कस्टमर्स के साइड से भी इतना अनोइंग होता है कि ओ आप तो इधर खड़े होते थे अब कहा है mm. क्योंकि गूगल मैप टेक्स थर्टी डेज टू रिव्यू अ लोकेशन तो वो हम अगर बार बार चेंज करते रहते थे लोकेशन गूगल मैप्स पे अनोइंगली चेंज नहीं होती थी तो लोग उधर आके खड़े होते थे कॉल करते थे भाई आप तो है ही नहीं इधर हम तो आते हैं आप तो है फर्क पड़ा होगा उससे बिजनेस तो बहुत एक डाउनफॉल आया था जितना प्रॉफिट हमने माशाला कमाया था सब लुट गया था और उस वक्त एक और बड़ा बहुत बड़ा रीजन ये था उस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी थी और हम लोग जनरेटर पे चल रहे थे oh तो महीने का सेवेंटी थाउजेंड तो सिर्फ पेट्रोल में फ्यूल में निकलता था तो ये एक और चीज थी जहाँ वीवर लाइक अगर डीएचए शिफ्ट होंगे एक लाइन तो मिल जाएगी hmm. तो हमने कॉस्ट uh, कटिंग बहुत की डीएचए आके सेवेंटी थाउजेंड फ्यूल से हमने पांच हजार पे आ गए हम इलेक्ट्रिसिटी पे तो इट वाज अ बिग जंप तो कॉस्ट कटिंग करना इतना उस वक्त इम्पोर्टेंट हो गया था हमने कहा दफा होते हैं बादल बाद में नहीं कर सकते अनलेस आप खिला रहे हो बहुत हैवी पार्टी हो. सही बात है Right. तो हमने कहा ये भी औकात नहीं है, हमारी hmm. सिंपली थे, थे ही नहीं पैसे सभी उड़ा दिए थे हमने अच्छा आई कट यू देर बहादराबाद वाली uh, hmm. जो कार्ड थी इफ आई डोंट नो इफ यू नो दैट आर नॉट मुझे नूडल वूडल का पहले पता लगा था देन आई आई न्यू यू ऑन YouTube बट आई वॉज नॉट फॉलोइंग यू ऑब्वियसली हमारी कोई बातचीत हाँ, नहीं थी हाँ. मैं आई थिंक आई रिसेंटली स्टार्ट फॉलोइंग यू और उसके बाद मुझे नूडल वूडल का पता चला मैंने कहा अच्छा ये इसका है ठीक है ओके okay, फाइन फिर मैं, तो मैं पहले नूडल वूडल का पता चला फिर मुझे नूडल वूडल का कहीं पता लग गया था सुनने में आया मुझे किसी की स्टोरी पर मैंने देखा था देन रीसेंटली जब मैं आई थी ना हाँ. उससे कुछ दो हफ्ते पहले मैंने तुम्हें शायद फॉलो करना शुरू किया था उसके बाद फिर मैंने तुम्हारी स्टोरी पे देखा फिर जब मैंने सही से पढ़ा मैंने कहा अच्छा यही बंदी है भाई इसके पीछे मैंने कहा अच्छा इसका है तुम आई थी मैं उधर थी तो और रास्ते में गाड़ी बता रही हूँ मैं रात के तीन बजे मैं आई थी तो मैं वाकई दिस इज ट्रू कि शी वॉज वर्किंग लाइक एनी थिंग एंड मैं ये देख रही थी मैंने कहा यार ये एक लड़की है एक लड़का है पता नहीं मुमना होगी कि नहीं होगी मैं अपनी बहनों से बात कर रही थी मैंने कहा पता नहीं मुझे नहीं पता मुमना होगी शी वॉज लाइक एग्जॉस्टेड

ऐसे मैंने पूरा चलाया अपना ये एग्जाम्स और नूडल वूडल साथ और फिर रमजान में ही होता था जाहिर सी बात हम शहरी तक खुले होते थे हमने कहा कि जितना हाँ, हम, हम खुले रह सकते हैं क्योंकि दिन में इतना ज़ाहिर सी बात है रमजान थे दिन में कोई, सेरी कोई आएगा, आएगा नहीं तो हमने कहा शहरी तक ओपन और सेरी तक ओपन तो और सैरी सैरी से भी आधे घंटे पहले शायद तुमने कहा था अब तो यार हम बंद कर रहे हैं तुम जल्दी से बता दो जो रेडी होगा वो ले आऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली घर भी तो पहुंचना है लेना हाँ। और हम पते मैं सेरी नहीं मेरी सैरी रोज की होती थी मैगी रोज की सैरी मैगी ये सीन होता था क्योंकि वो वो मिल रेडी वही वहाँ पे वही पड़ा होता था हमने कहा कहाँ जाएं ये करें और बिल्कुल लास्ट मिनट होती थी पानी भी पीना भूल जाती थी उसके बाद ही तो मुझे ऐसा अनिमिया हुआ है ऐसा सिवेर अनिमिया हुआ है कि डॉक्टर ने बोला कि अगर आपके तीन और लेवल्स कम होंगे ना बस आप अल्लाह मियाँ के पास <laughs> तो मेरा अनिमिया अभी तक चल रहा है आई स्टिलटली सारी गलती <laughs> it okay. हैियाँ मतलब yeah, so भाई तरक्की दे Amin. <laughs> Inshallah. और दे रहे वैसे अल्लाह तरक्की हाँ फिर चलो फिर डी पे आ गई फिर खैर हाँ हम डी पे आए डी एच पे बहुत सुकून हो गया हाँ। क्योंकि हमें ए लाइसेंस मिल गया था परमिट के लिए हमने अप्लाई कर दिया था है। लेकिन उन्होंने कहा था परमिट में एटलीस्ट थ्री लेकिन आप खड़े हो सकते हैं अच्छा। तो कटिंग है, भी, हाँ। अच्छा हाँ। भी अच्छा भी अच्छा डीएचए वाली आवाम सिर्फ रामेन ही खाती है हाँ। मैगी नहीं लेती हमारी रामेन महंगे होते थे रामेन तो ही बिक्रे फिर क्या हुआ इमरान खान साहब ने लगा दिया इम्पोर्ट बैन और हमारे रामीण वो बंद हो गए अब हमने कहा अच्छा रामेन आ रहा था लेकिन सिक्स सिक्स हंड्रेड तक का बिक रहा था और होल सेल रेट में हमें फ़ाइव फिफ्टी सेवन का बिक रहा था और हम रामिन बेचते थे फाइव फिफ्टी का <laughs> तो हमने एट वन पॉइंट फाइव में बहुत बुरी हूँ लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे अंदाज़ा हो गया कि बच क्या रहा है नहीं बच रहा था हम हाँ. लॉस में जा रहे थे और वी डिड नॉट रियलाइज़ क्या प्राइसेस बढ़ानी चाहिए बिकॉज़ कस्टमर <clears throat> आते हैं ना वो पूछते हैं प्राइसेस क्यों बढ़ी है वो अंडरस्टैंड नहीं करता कि आपने जैसे अभी KFC के के बीस रुपए बढ़े हैं सब गुस्से हैं, बीस रुपए बढ़ा दिए भाई। अच्छा मैंने नोटिस नहीं किया नोटिस नहीं किया था उस पॉइंट क्योंकि इन्फ्लेशन इज अज हर जगह की प्राइसेस बढ़ेंगी चिकन की भी प्राइस बढ़ी है सब्जियों की प्राइस बढ़ी है हर चीज की प्राइस बढ़ी है लेकिन हमने कहा नहीं खैर है कस्टमर ज्यादा जरूरी है प्राइसिंग छोड़ देते हाँ। हैं सबसे सुपर डिसीजन अब इधर आती है लर्निंग फेज हमारा खैर लर्निंग तो प्रॉपर चल ही रही थी लेकिन पैसों के मामले में ना हमने कहा कि नहीं कस्टमर आके बोलेगा कि प्राइसेस बढ़ा दी है कम्प्लेन करेगा इससे अच्छा हम कस्टमर की रखते हैं और प्राइसेस नहीं बढ़ाते लेकिन भाई इमरान खान ने इम्पोर्ट बैन लगा दिया था रामीन की प्राइसेस बढ़ गई थी हमने नहीं बढ़ाई थी तो क्या हुआ हम लॉस में जाते रहे फिर एट वन पॉइंट हमने रामेन लेना ही छोड़ दिया हमने कहा बाहर में जाए हमने कहा हम बोलते थे कस्टमर को हमारे पास पास्ता ओ क्या कहते हैं एग नूडल्स पड़े हैं एग नूडल्स में हम रामेन की सॉस और चिकन और सब्जियां मिला के आपको दे देंगे तो ऐसे हम फिर काम कर देते हैं अपना okay. तो वी स्टार्टेड लर्निंग अलॉट के अच्छा अब सस्टेन करने के लिए हमें थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी टेस्ट में चेंज नहीं आएगा लेकिन टेक्सचर में चेंज आएगा वो सामयांग वाला रामेन नहीं होगा एग नूडल्स होंगे डिफरेंस होगा तो इधर से भी ना काफ़ी हमें अनोइंग रिस्पांस आया रिस्पांस आया कि ये क्या है बट द कस्टमर डज नॉट अंडरस्टैंड कि भाई ये चीज सस्टेनेबल ही नहीं है बिजनेस के लिए हम कर ही नहीं सकते बट इवेंजली फिर हमने क्या हुआ हमारे साथ सीन <laughs> कि एक दिन डीएचए की गाड़ी आती है सारे कार्ट्स उठा के लेके जा रही है हम पहुँचे हमने कार्ट की पार्क कहीं दूर हम <laughs> और पता लगाये कि हो क्या रहा है हुआ ये कि परमिट्स जो थे ना जिन सब जितनी कार्ड्स उधर खरीदे आप तो उधर आई भी हो काफ़ी कार्ड्स हाँ, थी उधर हाँ. उधर सारी कार्ड्स ने परमिट्स के लिए अप्लाई किया हुआ था लेकिन डीएचए ने पास नहीं किए थे वो परमिट्स अब हम भी कंफ्यूज कि परमिट तो आप दे रहे हो और आप ये रीज़न दे रहे हो कि हम कार्ड इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि परमिट नहीं है हाँ हमने कहा कि चलो ठीक है परमिट हमने अप्लाई किया हुआ है हमारा कोई ट्वेंटी नंबर था हुँ. हमने कहा कि भाई हमने परमिट एक साल पहले अप्लाई किया था अभी तक आपने दिया नहीं है खुद तो कहते ओ मैं हज पे गया हुआ था तो मैंने देखा भी नहीं आपका परमिट वॉट जो जली है हमारी क्या <laughs> वो जो मेजर साहब थे वो हज पे गए हुए थे तो उन्होंने तो हमारा परमिट की एप्लीकेशन अप देखी देखी नहीं, दिखी नहीं। ये हमारी गलती है ये ये भी हमारी sorry, गलती हाँ, है एक्चुअली ये हम हमने आपको रिमाइंड नहीं करा <laughs> तो उधर भी बड़ा अनोइंग सा फेज हुआ कि अच्छा डी में आपकी बाप की भी नहीं चलती वो कुछ भी कर लो नहीं चलेगी भाई कुछ चाहिए भी, भे कर भे भी कॉल <laughs> 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 कुछ भी हमने हर जगह से ट्राई कर लिया आर्मी पॉलिटिकल पार्टीज पुलिस हर जगह नथिंग एक एक सोर्स ट्राई करके देखी नथिंग वर्क सी से फिर भी आ गया था हमारा लेकिन एंड पे सीबीसी और डीएचए का साइन चाहिए होता है नहीं पता रीजन म, ना मैं हमने पूछा। द पॉइंट इज कि बहस करने का पॉइंट ही नहीं है उनको देना ही नहीं है वहां पे लगानी ही नहीं है उनको। तो जितने भी कार्ड्स हैं हट चुकी हैं वो जगह पूरी बंजर हो गई है बस खाली प्लॉट है पार्किंग हो रही है वहां पे बैठ के जमीर अंसारी वाला प्लॉट हाँ, हाँ, है है उधर समझ गई क्योंकि जमीर जमीर अंसारी ने अंसारी ने के बराबर में है हाँ, ना तुम्हारा जो जमीर अंसारी वाला प्लॉट बस होता है खुला हुआ लेकिन वहाँ पे भी कोई ऐसा फायदा हुआ क्या मिल रहा है आपको कुछ नहीं मिल रहा ना वही तो एनी तो फिर हमने कहा यार अब कार्ट का सीन हम वापस भादराबाद पे करते हैं लेकिन डी में रुकना है कुछ भी हो जाए डीएचए में रुकना तो पूरा खुदा hmm. हुआ तो ये, ओ... <laughs> <laughs> <Okay. laughs> ये भी फटाफट से हो गया फिर हमें बिल्कुल जमीन अंसारी के बराबर में दुकान hmm. मिल गई हमने कहा पकड़ो ये दुकान खरीदी खरीदी नहीं मतलब रेंट पे ली लीज सब की और दो महीने हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें इसके साथ हम टेंशन हो बिकॉज लीज तो ले ली अब अब वी नीड एन इन्वेस्टमेंट टू एक्चुअली रेनोवेटेड टू मेक इट अ प्रॉपर डाइनिंग स्पेस तो हमने वेट किया सेव अप किया कि चलो दो महीने हम सेव अप करके अब फुल इसमें इन्वेस्ट करेंगे और पूरा रेनोवेट करेंगे दो महीने बाद हमने एक इंटीरियर डिज़ाइनर पकड़ा <laughs> उन्होंने सारा काम वाम किया एक तकरीबन हमें कितना फिफ्टीन टू एटीन डेज में हमने पूरी रेनोवेशन कर जो कि बहुत अच्छा किया पूरी I रेनोवेशन like अच्छा उसमें भी ना अब कॉस्ट कटिंग करनी थी हम लोग को म्यूरल्स बनवाने थे और दो दो लाख के म्यूरल्स बनते हैं हमने कहा छोड़ो खुद ही बनाते हैं तो वो जो पांडा वाला पूरा म्यूरल बनाया है सब एक एक चीज हमने खुद सीरियस एक एक चीज हमने खुद किया पेंट Uh, mural, oh तक जो पीछे like, एक गार्डन बना हुआ है पांडा अच्छा, मुझे लगा किसी ने बता दिया होगा की अच्छा अगर पिक्चर <laughs> लेनी है तो आप थोड़ा सा इसको फिल कर ले <laughs> ये वाला ग्रे कलर उठा के <laughs> पूरा हमने सब तकरीबन मैं सारे दोस्तों को बुला लेती थी, थी क्या भाई मदद करो

स्केच आउट nice. कर दिया उसने ऊपर चढ़ के आधे आधे पेंट कर दिए रखा एक गेम भी, भी स्टार्ट हाँ। ये ये हाँ। का बटन है नेक्स्ट oh. का बटन है लेवल वन शुरू होता है उसपे सारे आपके एवरटाइजर आ गए लेवल टू पे सारे आपके नूडल्स मैगी आ गए लेवल थ्री पे आपके सारे रामेन आ गए और लेवल फोर पे ड्रिंक्स हैं नाइस नाइस आईडिया ये किसका आईडिया था मेरा <laughs> आई <वाँ>. <laughs> <laughs> तो मैं मैंने पता है कहाँ से थोड़ा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कंज्यूमरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार हम जेन जी हैं बड़े hmm. ही गेम्स खेलते हुए hmm. हैं बड़े ही मतलब हम पी एस टू पी एस गेम बॉय इसी सब हाँ, पे हुए right. हैं तो अगर मैं ये टारगेट करूँ ना तो लोग पागलों की तरह आएंगे और यही रखा मैंने गेम्स रखे हुए ऊनो फाइव से पता नहीं कौन बोर्ड गेम्स भरे पड़े में उधर और मैंने जो टेबल मैट डिजाइन किया ना जैसे खाना आता है उसके नीचे मैट रखा होता है

तो मैंने वहाँ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया और hmm. ऐसा ही था वी वर किचन की वेटिंग होती है और ओखरा में हम oh. बाहर खड़ा होना पड़ता है तो हम चले जाते हैं कॉफी लेने तो बिल्कुल टेक अवे वाला सीन होता है, का हमेशा. हाँ, ये तो है. वैसे वहाँ पे, लेकिन खैर मैंने देखा था बट अभी तक तो मैं नूडल वूडल नहीं आई हूँ जब भी मैं आई हूँ तो <laughs> बंद <हो> था <laughs> यार वो तुम दिन न, हमारी कार्ड की सर्विस होने गई हुई थी हाँ, और उसी दिन पे मैं डीएचए वाले हाँ, पे भी गई थी तो वो उसने बोला नहीं nah, मोमना मैम भी नहीं है वो वेटर आया था हाँ, नहीं ममना मैम नहीं है और अभी हमने स्टार्ट नहीं किया शायद हाँ, फिर तुम्हारी नेक्स्ट डे ओपनिंग ओपनिंग थी तो अभी सब सही चल रहा है मैंने आपको ओपनिंग पे इन्विटेशन दी थी कुछ हुआ था उस दिन क्या हुआ था कुछ ना कुछ तो हुआ था जिस दिन का, मैंने कहा था बारिश हाँ बारिश हुई थी बहुत तेज बारिश हुई क्योंकि थी। बहुत लोग नहीं आए थे उस दिन हाँ। और सब और किसी ने एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी मैं वेट करी समायेंगे अच्छा, थी तीन लोग आए इरफान जो नहीं तो आए थे हाँ इरफान भाई आए थे आए थे लेकिन मेरी फैमिली इतनी बड़ी है मैंने तो कि मैंने कहा भाई सबको तो बिठा नहीं सकती क्योंकि बारह लोगों की जगह है सिर्फ इट अच्छा। इज वेरी स्मॉल लिटिल प्लेस ना तो हमने कहा यार अच्छी बात है ज्यादा लोग आए भी नहीं मैंने उन सबको वैसे ही बोला था कि हफ्ते में जब चक्कर लगाना हो चल हाँ, तो नहीं नहीं ही बोला था राइट क्योंकि मुझे था कि अगर सारे लोग एक दिन आ जाएंगे ना हम बैठाएंगे सर पे थोड़ी बिठा बिठाते सिर्फ बारह लोग और मैंने ये भी बोला था कि अपने दोस्तों और सबको भी लेके आना की अकेले नहीं आना तो अगर मैं आ जाती है आठ लोगों को लेके जाए किधर किधर वेटिंग है लेकिन देखिए <laughs> हाँ, बारिश बहुत थी उस दिन हाँ, तो इसकी वजह से मैं आ नहीं पाई थी और फिर मैंने सोचा था कि यार चलो छह बजे तक चली जाऊँ मैं खुद लेट हो गई थी उस दिन क्योंकि मैं ऑफिस से आए ऑफिस के बीच में ही बारिश हो गई थी और मेरा भाई पहुंचा है लेट हम निकले तो पानी भरा हुआ पूरा यूनिवर्सिटी रोड वैसी ही खुदी हुई है यूनिवर्सिटी रोड पे पानी ही पानी और मुझे अभी तक डिफेंस समझ में नहीं आ रहा डिफेंस मैं रिफेंस में रह के भी मुझे डिफेंस समझ में आता <laughs> चक्कर मेरे यहाँ के ही लग रहे रोज़ाना लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा यार yes, यस जब मैं शिफ्ट हुई थी ना मुझे था कि सारी रोड्स तो सेम है सारे घर भी सेम है ये तो मैं यहाँ कैसे मैं? करूंगी वही तो एग्जैक्टली exactly, मैं भी जब यहाँ पे आती हूँ तो मैं जब भी किसी के साथ भी आती हूँ यार मैं, मैं रोड कैसे याद करूँ आके मुझे याद मुझे नहीं, नहीं होते नहीं। मुझे एक, एक साल वाले याद हो जाएंगे शायद। जाएं। मुझे वाले याद हो जाएंगे यार मुझे एक साल हो गया मुझे नहीं याद हुआ है मुझे बस अपना इलाका पता है इत्याद के बस मुझे यहाँ से नूडल वूडल यहाँ पे है घर ये यहाँ से गाड़ी में बैठ के ऑफिस अच्छा अबाउट ऑफिस तो ऑफिस का अब क्या सीन है ऑफिस का अब सीन सोने है? का सोने कितने घंटे मिल रहे हैं सिर्फ यार मैक्सिमम तीन से चार घंटे मिल रहे हैं मुझे और फिर मुझे होता है कि यार फजर नहीं छुट्टी तो चाहिए ना फिर ऐसा होता है चलो नहीं सोती और नींद खुद ही उड़ जाती उस है पे भी <laughs> 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 उस पर भी टाइम निकाल के आई मैं तो सोच रही हूं, <laughs> फिर भी तुम्हारा दिल हो सकता था मैं सो भाई मेरा शाह तो मैं पूरा दिन बुक रीड करूँ क्योंकि मैं बुक्स बड़ी पढ़ती हूँ तो, आना तो है। मेरा ऐसा होता था कि मैं पंद्रह बुक्स खत्म करती थी मेरा गोल होता था पंद्रह बुक्स पर मंथ अब मैं आठ पे आ गई हूँ तो मुझे होता है यार सिर्फ आठ बुक्स

अब जब वो मेरे हाथ में बुक देख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं तुमने उसको तो टाइम ही दिया तुम ऐसा क्या पढ़ रही हो और अगर कभी कुछ ऐसा वैसा पढ़ रही हूँ तो मैं उनको क्या बताऊँ इसमें क्या पढ़ रही हूँ आपको लीन उम्र पढ़ रही थी तो ना ही बताएं कि आप क्या पढ़ रही थी <laughs> अच्छा मैं ट्विस्टेड गेम्स भी पढ़ी थी <laughs> ट्विस्टेड गेम्स होते क्या हुआ ट्विस्टेड लव पहली बुक है ना मैंने पढ़ा मैं अच्छा मैंने ऐसी बुक नहीं पढ़ी मैंने कहा मैं क्या पढ़ रही हूँ

और अब हैबिट बन गई है बस फ्री बैठी होंगी तो बस पढ़नी होंगी बुक फ्री बैठी पढ़ी लेकिन अब जब टाइम नहीं मिल रहा ना तो मेरी हैबिट टूटती जा रही है ऐसा नहीं सैड मतलब, हो रही हूँ उलझन हो रही है, कि यार ये अच्छी है मेरा जो होता था, वो लिटरली एक घंटा होता था वेरी ना मैंने है मैं पढ़ती हूँ आधे घंटे से ज्यादा कहीं फोकस हो तो मुझे आंखों में ऐसा लगता बस सब दर्द हो रहा है अब तो, तो ये तुम्हें रूल नहीं देखना है अच्छा। या 20 हाँ। ओ। तो, तो ये भी एक हैबिट बना लो कि जब बीस मिनट हुआ बस उधर नजर करके बीस सेकंड तक देख और कोई आ जाए कमरे में किसको देख रही हूँ कौन कर इमेजिन करो तुम क्या चल रहा था बुक में अच्छा ये मुझे नहीं पता था मैं यही सोचू यार मुझे अपना स्क्रीन टाइम कम करना है और वैसे जो बात है वाकई में बुक रीडिंग इज सच अ गुड हैबिट के के टाइम कम हो गया के अगर मुझे मैंने किसी को बोला ना हाँ मैं कॉल करती हूँ भूल गई मैं भूल गई मेरी मेरी बुक रीडिंग शुरू ही पता है किससे हुई थी हाँ। अब्दुल्ला खटक से अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे हाँ। बट सीन क्या हुआ कि उसने मैं मैं उससे ना वो करी थी रेंट करी थी कि यार स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है कोविड चल रहा था

ऑन वो भी लाइक like कोविड के बीच में कुछ भी नहीं होता तो मेरा जो स्क्रीन टाइम होता था वो सोलह सोलह घंटे होता Shit. था और मेरी जो बैटरी हेल्थ थी वो यूं गिर रही थी हाँ तो खैर मैंने बुक खोली अपना फर्स्ट पेज पढ़ा सेकंड पेज पढ़ा भूल गई फर्स्ट पेज में क्या <laughs> था मैंने कहा क्या हो रहा है ये ये होता है ना? जो नया नया बुक पढ़ना शुरू करो मैंने कहा था मैं इतनी डम नहीं हो सकती मतलब तुम तो तुम इतनी डम हो तुम पीछे भूल के क्या हुआ था मैंने फिर से पढ़ा था सेम तो जब आप नए नए रीडिंग शुरू करते हो ये होता है hmm. आपकी रीडिंग स्पीड भी इतनी कम होती है कि एक बुक मैंने ना मतलब दो हफ्ते लगाए थे तो उसको hmm. खत्म करने में और अब मैं सोचती हूँ दो हफ्ते में तुमने एक बुक कहा अब तो अब मैं दो तो अब मैंने खैर ऐसी करके पढ़ती रही लेकिन फिर एक पॉइंट आया जहाँ पे मैं जो स्टोरी मैं बस मैं घुस गई और मैं जो स्टोरी में घुसी हूँ दो हफ्ते में बुक खत्म किए ऑन टू द नेक्स्ट बुक ऑन टू द नेक्स्ट बुक ऑन टू द द नेक्स्ट बुक अंटिल आई रेड साइलेंट पेशेंट बाय एलेक्स वो ही पढ़नी है मुझे लो। इतने रिव्यूज दिए उसके इतने मुझे हर रोज के हिसाब से लोग टैग करते हैं तकरीबन एक टैग तो रोज आता ही आते हैं मिनिमम आई एम रीडिंग साइलेंट पेशेंट बिकॉज ऑफ यू और मुझे होता है यार मैंने इतने लोगों को साइलेंट पेशेंट पढ़वा मैंने खुद तीन बार पढ़ ली है रियली यस क्यों <laughs> एक कंफर्ट बुक होती है जैसे आप लोगों का कंफर्ट शो होता है फ्रेंड्स है मेरा कंफर्ट शो बार बार देखती रहूंगी फर्क ही नहीं पड़ेगा पता ही क्या होना है हाँ। इसमें भी है ये कम्फर्ट अच्छा। बुक है कुछ जैसे रीडिंग स्लंप में जा रही हूँ ना पत्ते के रीडिंग का मूड नहीं हो रहा चलो साइलेंट पेशेंट पढ़ लेती हूँ अच्छा और फिर मैं एनोटेट भी करती हूँ अपनी बुक्स तो मुझे हाँ, वो देखा है मैंने वो एक फीलिंग आती है अच्छा मैं ऐसे फील करी थी जब मैंने अच्छा। तब वो पढ़ा था इसलिए मैं हाँ। करती हूँ एनोटेट तो साइलेंट नहीं आया था तो जब बुक्स पढ़ते पढ़ते यार बस मेरा ये टाइम आया था अक्टूबर ऑफ लास्ट ईयर वेर अक्टूबर से पहले वे इतने नूडल वूडल वाले टाइम में एग्जाम्स वाले टाइम hmm. में टाइम ही नहीं होता ये टाइम तभी आता है जब टाइम नहीं होता सही बात है अभी हाँ। भी टाइम नहीं है लेकिन अब मी अ बिट नहीं ये वाला टाइम नहीं बोले जब टाइम ही नहीं है वो वाला कि यार पढ़नी ही नहीं है नहीं हाँ नहीं पढ़नी थी पढ़नी ही थी क्योंकि मेरी जो टी बी आर है ना टू बी रेड बुक्स है वो इतनी सारी हैं अब मेरे पास तक अच्छा, ऐसा भी है हाँ मैंने ना कलेक्शन बनाई हुई अपनी पूरी ठीक है तो लाउंज के अंदर मेरी सारी बुक्स रखी हुई अम्मा के कमरे में मेरी सारी बुक्स रखी हैं मेरे कमरे में मेरी सारी बुक्स रखी हैं मेरे भाई के कमरे में मेरी सारी बुक्स रखी हैं और टू बी रेड वाली बुक्स का एक अलग सेक्शन है वो नहीं <laughs> सब <laughs> मिक्स मैच हुई हुई है तो उसमें से ना तकरीबन अभी तक सेवेंटी फाइव बुक्स ऐसी हैं जो मुझे पढ़नी है फोर्टी फाइव सॉरी अच्छा 45. ऐसा है कि बुक पढ़ी स्टार्ट की समझ में नहीं आई रख दी नहीं ये नहीं होता मुझसे नहीं हुआ खत्म ही करना है ये एक बुक थी ऐसी अ लिटिल लाइफ वो भी इसलिए नहीं, नहीं, नहीं कि समझ नहीं आई वो इसलिए थी क्योंकि वो बहुत डिप्रेसिंग थी और ट्रिगरिंग थी के अच्छा। ऐसी थी कि मेरा दिमाग हो गया था अगर ये नहीं रुकेगी मैं पागल हो जाऊंगी कि अम्मा ने मुझसे बोला कि तुम्हारी बिहेवियर में चेंज आ रहा है स्टॉप रीडिंग इट वाज अबाउट जस्ट अ लॉट ऑफ ट्रिगरिंग थिंग्स लाइक एस वगैरह सब कुछ बहुत ही मतलब समझो कि नेक्स्ट लेवल जो होता है ना अब नेक्स्ट लेवल वो था और एक लड़की तो बिहेवियर में, में कैसे चेंज आ रहा था क्योंकि मैं इतनी सैड हो रही थी कि मुझे दुनिया पे गुस्सा आ रहा था इसके साथ क्या हुआ है oh, मैं पता है जब बुक पढ़ती हूँ ना आई फोरगेट दैट आई एम लिविंग इन द रियल वर्ल्ड एंड दीज आर नॉट रियल पीपल मैं इतना फैंटेसी में इंडल्ज हो जाती हूँ तभी मुझे मज़ा भी आता है फिर पढ़ने हाँ, में, में तभी मुझे ख़त्म भी करनी होती है तो मैं कैरेक्टर के दिमाग में घुस के कैरेक्टर ही बन जाती हूँ कभी बट यू यू मस्ट रिक्वायर दिस दिस एक इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए या कहीं भी पढ़ सकती हो कहीं भी गाड़ी में गाड़ी में सबसे ज़्यादा पढ़ती हूँ मैं क्योंकि मेरा कम्यूटिंग इतनी होती है आजकल ऑफिस के टाइम पे मैं डिफेंस से जाती हूँ गुलशन तो आप समझ लो यूनिवर्सिटी रोड जो खुद ही होती है पढ़ ऐसे हाँ, <laughs> किसी ने गिफ्ट किया था। हाँ, ये भी मुझे पता है तो नजर भाई बहुत बहुत ही वो मुझे भी है वो अच्छी राइटर ऑथर तो उन्होंने मुझे उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था मैं हो रही तो उन्होंने मुझे बोला था मोमना क्या कहते हैं नहीं हम लोग का पॉडकास्ट चल रहा था तो उन्होंने मुझे बोला नहीं उन्होंने नहीं बोला था क्या हुआ था

मैंने कहा कि क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे की नहीं होती टाइम की भी होती है हाँ, अच्छा सही है ठीक है सही है it. तो, थीक तो है। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं किंडल तो बहुत बेस्ट चीज़ है यू विल फॉरगेट के हाउ इजी इट बिकम्स व्हेन यू हैव किंडल रीडिंग कितनी इजी हो जाती अच्छा है। तो मैंने कहा रियली really? उन्होंने कहा आई विल गिफ्ट मैंने कहा रियली मुझे बोला था उनको और अच्छा हाँ। मेरी तो, भी तो बात सुना <laughs> अच्छा उनको किंडल गिफ्ट करना बहुत पसंद है बिकॉज ही फील्स लाइक इट इज एडिंग समथिंग टू सम लाइफ तुम्हें नहीं पसंद मुझे नहीं पसंद बिल्कुल वो गा थोड़ा बहुत बहुत मैं सोच रही हूँ कि मैं इन्वेस्ट करूँ किंडल पे।, <laughs> पे मैं भी सोच रही हूँ तुम्हारा क्या इरादा है देना <laughs> अपना पास सोचती हूँ सोचती हूँ इसके बारे दिस इज सो स्वीट ऑफ हिम वैसे तो मतलब के यार आई वाज इन इनवेस्टमेंट और मेरी बर्थडे से एक दिन बाद उन्होंने मुझे दिया मैंने कहा हैप्पी है, बर्थडे तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उसके साथ किंडल तो मैंने जितनी बुक्स अच्छा जिनको नहीं पता किंडल वो उनको भी बता दो किंडल वो बैकलिट और वो पेपर होता है सही है पूरी वाइब होती है पेपर की ही अच्छा और फ़ोन की स्क्रीन नहीं होती जैसे मुंह पे लाइट नहीं पड़ी होती होता है तो हल्की सी बहुत सटल सी एक लाइट आ रही होती है एंड इट फील्स लाइक अ पेज ओके लेकिन वो बिल्कुल पतला सा होता है आप बस टैप करते नेक्स्ट पेज नेक्स्ट दैट यू कैन रीड लाइट्स ऑफ करके हाँ. अच्छा तो, तो ये, ये तभी तो मसला है, है मेरा सबसे बड़ा मुझे लाइट्स ऑफ करके आराम से माहौल बना के पढ़ने yes. का शौक है Yes. अब वो मुझे होता नहीं। और जब मैं अब मैं रात में, जितनी भी रीडिंग रात में करती हूँ वो सारी कैंडल पे करती हूँ इतना ईजी हो गया और इट इज वेरी कन्वीनियंट ऐसी बैग में डाल दिया फैनी बैग तक में फिट आ जाता है इतना इतना सा होता है तो वेरी कन्वीनियंट वरना बुक तो ब्रिक की तरह आप लेके घूम रहे हो उसको हाँ, और वो वो थो, लेकिन थोड़ा इंटेलेक्चुअल लगता न, है ना लोगो क्या पता हम क्या अच्छा ये भी होता है अगर मैं चाहती हूँ ना कि मैं थोड़ी इंटेलेक्चुअल लगूँ किसी दिन या आउटफिट का पार्ट ही बना देती हूँ मैं तो बुक को आउटफिट हाँ, का हाँ, पार्टे हाँ, होता है हाथ में चल रही हूँ ग्लासेस लगाए कैप तो मैं

अरे right. अच्छा मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले तुम्हारे लिए ठीक hmm. है जवाब दे दिया तो ठीक है नहीं दिया तो बिस्मिल्ला कीजिए अच्छा रुके <laughs> अगर जवाब मैंने दे दिया <laughs> तो तो आप बिस्मिल्ला कीजिए मैं क्यों करूंगी बिस्मिल्ला ये मेरा टॉर्चर नहीं है आपका hmm. आने का टॉर्चर है आप देखें अगर मैंने जवाब दे दिया

जब नई होती है तो लंबी होती है जब नई हो तो लंबी होती है लेकिन जब पुरानी हो जाती है तो छोटी होती है मुझे क्या पता ठीक है खाली नहीं <laughs> यार क्या होता है ऐसा नहीं बताना कोई मुझे उम्र तो होती आज है सबको देखूंगी मैं देखो एज तो होती है अच्छा चलो एक बता दो एक मेरे मे, मेरे पास दो आंसर्स हैं ठीक है तो तुम एक मेरा भी बता दो वरना एक ले लो हाथ में क्या होती है अच्छा यार, वो चीज नहीं है और वो लंबी है हाँ। लेकिन जब वो बुढ़ी हो जाएगी हाँ। तो वो छोटी हो जाएगी <laughs> पुरानी हो जाएगी तो छोटी हो जाएगी <laughs> आगे चलो <laughs> बिस्मिल्लाह <laughs> दुली हुई है ओह माय गॉड बाबा जी बिस्मिल्लाह हम्म <coughs> पानी पी लो पानी अच्छा आसाओ कोई मुमना को, को। <laughs> 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 क्या था आंसर पेंसिल एंड मोमबत्ती मैं जानती <चारे नहीं। laughs> तुम लोगों को क्या लगा आया था आंसर <laughs> अच्छा <laughs> चलो अच्छा ये ऐसा है कि मतलब बोलो दूसरा <laughs> क्वेश्चन वो क्या चीज है जो हराम है लेकिन उसे पीने से सवाब मिलता है शराब तो नहीं हो सकता शराब की कोई एक फैमिली है <laughs> नहीं नहीं मैं मैं पुरानी वाली मिर्ची नहीं का हुई है <laughs> वो क्या चीज है जो हराम है लेकिन उसको खाने से पी, पीने से, से, से सवाब मिलता है हाँ, सवाब मिलता है झूठ बोल रही हो तुम गलत नहीं, नहीं है एक चीज अगर है है ना देखा वो पता ना नहीं बता रही हूँ <laughs> कोई हेल्प करने की जरूरत नहीं है अम्मा को शिकायत कर दी घर जाके मिर्चियाँ खिला दी <laughs> <laughs> क्या होता है यार आप नूडल, नूडल चला रही है आपको तो होगी रहा है अच्छा पीने वाली चीज है लेकिन वो सवाब देती है और हराम भी है हाँ वो क्या चीज है जो हराम है लेकिन उसे पीने से सवाब मिलता है वो क्या चीज है जो हरा आम है हराम है तो भाई आम। अरे भाई हराम मैंगो <laughs> जूस हराम है मैंगो जूस राउंड दी एपिग्लॉटिस हराम, हराम।, <laughs> <Epic> Lotus, हराम। <laughs> नहीं बता بسم اللہ <laughs> दूसरी खा लो चलो ऐसा कुछ नहीं हो रहा <laughs> इससे क्या मिलेगा ये बहुत बड़ा पीस दिया था पहले मैंने <laughs> तो दूसरा ले लो चलो ये ज्यादा आगे जाओगी ज्यादा मिर्चें है अच्छा चलो दो आंसर बताओ आंसर है गुस्सा ममना उसको करने से पीने से स्वाद आपको सवाल मिलता है आप गुस्सा दिखाओगे तो खराब सब... है अच्छा हाँ मैं लिटिल सेंस में मेरे लिटिल थूक बन रहे हैं मेरे मुंह में अच्छा लास्ट हम्म और <चा>, लास्ट 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 चलो नहीं बिचारी ने कुछ खाया हुआ भी नहीं है मैं ज़्यादा उस पर टॉर्चर नहीं करूँगी ये बड़ा रिलेटेबल है वैसे वो क्या चीज़ है जो आपकी होती है लेकिन दूसरे उससे आपसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं होती है आपकी है लेकिन दूसरे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पता ये बहुत गंदा गेम है क्योंकि अभी मैं सिर्फ मिर्ची पे फोकस कर रही हूँ क्वेश्चन ही भूल गए यही मैं। तो हमारा आइडिया था क्या क्या चीज़ है जो आपकी है मेरी है लेकिन दूसरे उससे जो है बड़ा उसको इस्तेमाल करते हैं दूसरे इस्तेमाल करते हैं आपसे ज्यादा आप देखो तो करते जो मेरे एंड्रॉयड फोन वाले दोस्त हैं वो मेरा फोन ज्यादा यूज करते हैं पिक्चर्स यूज करने के लिए तो ये भी हो सकता है नहीं <laughs> ये आप इनडायरेक्टली जो है ना ये एंड्रॉयड वालों गुस्सा आएगा अभी सही है देखो हम नॉन पीटीए वाले हैं हाँ, तो ये ये बराबरी है एंड्रॉइड भी है हमारे पास एक्चुअली <laughs> साइड में जिसमें से मैं <laughs> अच्छा क्या चीज है नहीं बताना मैं सोचूंगी तुम लोग को आ गया आ गया या पढ़ रहे हो यहाँ से ये दिख तो नहीं रहा क्या अच्छा <laughs> मुझे लगा था जनरल नॉलेज क्वेश्चन होंगे ये तो रिडल्स हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चन होते हैं कि पूछ लूं कि कि हाँ, लाइट बल्ब किसने जात किया अच्छा <laughs> ये मैं पूछ ही तो बोलती मैं तैयारी करके नहीं आई <laughs> अच्छा वो रुको ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी है लेकिन ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं बस कहते हम यार चलो यहीं पे बात दबाते हैं क्या है दफन करो खत्म करते हैं मछली दो खाओ खानी हां यही वाली नहीं नहीं नो 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 दिस इज नॉट इन द स्क्रिप्ट यार नहीं सिखाया था ना स्क्रिप्ट मैंने भूल गई कितनी ज्यादा मैं तुम खा सी रही मैं तुम्हें मिर्ची दे रही हूं हाथ में हाफ हाफ हां बस बस आई एम सो सॉरी आंसर बताओ आपका नाम मैंने कहा था ये रिलेटेबल है ये ऐसा हुआ भी होगा लोगों ने नाम बड़ा यूज किया होगा जनरल नॉलेजन अच्छा वो पूछती तो बोलती कि मैं तैयारी करके नहीं आई मुझसे रिडल्स करो चलो यार जो तो तुमने मिर्चियाँ खिला दी ना मुझे सॉरी यार आई एम सो सॉरी इतना टाइम निकाल के तुम मेरे लिए आई थी मसला अमी... ये है कि हाँ। मैं दम हूँ <laughs> मसला तुम्हारा नहीं ये मेरे सर पे खुद ही आया है क्योंकि मुझे नहीं पता था चलो कोई बात नहीं और तुमने कितने उससे बोला था अच्छा जब शॉर्ट से पहले भी मोमना ने पहले ही बोल दिया था अगर नहीं अगर मैंने दे दिया जवाब खाओगी तो, तो ये तुम 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 ये पे आ गई है है जो बात है। तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रही थी ना तुम। मैंने बोला था मैं बहुत बुरी इसमें चलो ओके okay. लेकिन ये वाकई ऐसा होता है बहुत आपसे ज्यादा दूसरे लोग आपका नाम इस्तेमाल करते हैं आई एम श्योर मोमना मोनी बहुत जगह यूज हुआ होगा जो बात है मैं तो कभी जिसका फायदा जिसका फायदा भी बहुत लोगों ने उठाया होगा Unfortunately. Unfortunately. But this is where we will end. क्योंकि मुझे uh, इसके बाद, बाद नहीं हो नहीं <laughs> ना दिमाग चलेगा ना जबान साथ थैंक hai. सो मच की जरूरत नहीं है <laughs> <laughs> अच्छा चलो ठीक है <laughs>